अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का दिन बहुत बड़ा है और सबसे पहले ये प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जी हाँ, अब वाकई झोला उठाकर जाने का वक्त आ चुका है। यकीनन इस मुल्क के तमाम शहरियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने एक घमंडी तानाशाह को उसकी जगह दिखा दी। जब सभी न्यूज चैनल वालों ने मोदी हुकूमत के हैट्रिक 400 पार और मुल्क के संविधान लोकतंत्र को बदलने की बात करते हुए सिर्फ भाजपा को ही 300 सीटें तो एनडीए को 370 और साथ में 400 पार का नारा लगा रहे थे, तब भले हम छोटे ही न्यूज चैनल वाले सही, पर हमने इस बार मोदी की विदाई तय वाले कई वीडियोस बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, मोदी का जाना तय हो चुका है। ये भी बताता चलूं कि ईवीएम की गिनती को धीरे किया गया है। शाम से अगर अब तक आप देखे होंगे तो एक ही आंकड़ा है, आंकड़ा बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तमाम इंडिया गठबंधन वालों को काउंटिंग सेंटर पर बने रहना है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि जीत चुके हैं तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। आज भी ईवीएम पर सवाल बरकरार है। यकीनन गड़बड़ी के मौके हासिल नहीं हुए जो पहले हुआ करते थे, और कई बार धोखा खाने के बाद अब कुछ बेदार भी हो चुके हैं। सबसे पहले खुद मीडिया और एग्जिट पोल वाली एजेंसियों को ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने भाजपा एनडीओ को 300 से लेकर 350 और कुछ ने तो 400 भी पार कराया था। मेरा मशवरा यही है कि एग्जिट पोल वाले कहीं छिप जाए, नहीं तो पिटाई हो सकती है, खासकर भाजपा उनकी जानिब से। खैर, आज की जीत ने मुल्क के लोकतंत्र को बचाया। जब इस न्यूज को बना रहा हूं तो भाजपा 285 और इंडिया गठबंधन 245 तक पहुंच चुका है, और यह आंकड़ा काफी देर से अटका हुआ है। इलेक्शन कमीशन वोटों की गिनती को क्यों धीमा किया हुआ है ये भी समझने की जरूरत है। आखिर क्या बात है कि मोदी जिसे भक्तों का महामानव विश्वगुरु, यहां तक भगवान का अवतार कहा जा रहा था, आज टीवी पर तो कहीं पर नजर नहीं आया। आज वाराणसी में भी महज 1,00,000 वोटों से जीत चुके हैं, और इस जीत में ही मोदी की हार छिपी हुई है। अमित शाह ने तो मोदी 1,00,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे कहा था। कोई माने या ना माने, लेकिन मोदी को मुसलमानों के हाय इनके बददुआ ने ही निगल लिया है। जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाने की मुस्तकिल कोशिश दुनिया के बड़े लोकतंत्र का वजीर आजम खुद करता है, तो यकीनन शर्म की बात है। भक्तों को मुसलमानों को गालिया मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने से बड़ी खुशी होती थी। आपने ऐसे कई वीडियोस देखा होगा कि कितनी भी महंगाई आ जाए हम वोट तो मोदी को ही देंगे, 1,000 रुपये पेट्रोल क्यों ना 1 लीटर हो जाए हम मोदी को ही वोट देंगे। बेवजह मोदी मोदी चिल्लाने की कुछ लोगों को आदत हो चुकी थी। खैर, आज तानाशाह का घमंड टूट चुका है, चूर चूर हो चुका है। कांग्रेस गठबंधन हुकूमत बना रही है, मान भी लो कि अगर एनडीए किसी तरह से बना लेती है, बनाने के कोई इम्कान नहीं है, अगर मान भी लो तो ये भी एक तरह से मोदी की शिकस्त ही होगी। अब की बार 400 पार का नारा कहां गया मालूम नहीं। आज टीवी डिबेट में भाजपाइयों के चेहरे ऐसे थे जैसे किसी के मैयत में शरीक हुए हों, और यह होना तय था। किसी मजलूम कौम को बेवजह तकलीफ दी जाती है तो इसके फैसले आसमानों पर होते हैं, और आखिर में फैसला सुनाया गया। राम मंदिर, हिजाब, झटका, मॉब लिंचिंग, यहां तक यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को तो अजान की आवाज से ही नफरत थी। मतलब जिन ओहदों पर बैठे थे उन ओहदों पर बैठकर मोदी शाह योगी इंसाफ की बात करते तो शायद इन्हें हुकूमत से उतरने की जरूरत ही न होती। लेकिन दलित मुस्लिम इत्तेहाद ने वो कर दिखाया और वक्त के फिरौन को उसकी जगह दिखाई। यूपी में बजाय गरीब मुफलिस लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देने के, इनके घरों पर बुलडोजर चलाना, जिस तरह यहां पर धर्म के नाम पर नंगा नाच किया गया, जिसका खामियाजा भले ये इक्तदार से नीचे उतरे होंगे लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह जलील रसवा भाजपाई को होना पड़ा। अपने आप को खुदाई का दावा करने वाले इससे पहले भी दुनिया में देखे गए, इनका क्या हश्र हुआ है इसको भी तारीखी किताबों में महफूज करके रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने बजाय हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करने से मुल्क में भाईचारे का पैगाम देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कामयाब रही। वक्त के बादशाह से आवाम परेशान थी, वो इंतजार में थी कि किसी तरह मुल्क में अमन भाईचारा कायम हो। आपने खुद सुना होगा कि किस तरह के बयान प्रधानमंत्री की जानिब से दिए गए, क्या उनके मर्तबे के लिए ये बयान जेब देते हैं। लेकिन जिन्हें लाशों पर ही सत्ता का सुख हासिल करने की आदत हो इसी को तो वो आसान रास्ता समझ सकते हैं। गुजरात फसाद को भूलना शायद इस मुल्क के हर शहरी के लिए मुमकिन नहीं था। खैर, अगर चुनाव की बात की जाए और आज के नतीजे को देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी में हुआ। यूपी जहां से सत्ता का रास्ता जाने की बात कही जाती है, यहां भी अपने आप को भगवा लिबास पहनकर योगी कहलाने वाले को यहां की आवाम ने हकीकत से आगाह किया।
कर्नाटक में 16 जगह पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होनी थी, लेकिन यहां 10 और भाजपा गठबंधन को 18 सीटें हासिल होती हुई दिखाई दी। बेलगाम की सीट का हारना भी लम्हे फिक्र कह सकते हैं। मृणाल हेब्बाड़कर की इस तरह हार को सोचना होगा, क्योंकि रियासती वजीर लक्ष्मी हेब्बाड़कर एक सुलझी हुई सियासतदान है, मनसूबाबंदी भी बेहतर बनाते हैं, लेकिन इस बार कहीं तो चूक हुई है। हो सकता है मनसूबे में गलती हुई हो या आपसे अख्तलाफात भी वजह हो सकती है। चिक्कोड़ी से प्रियंका जारकीहोली ने 90,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा के जोड़ले को हराया है। अगर मृणाल हेब्बाड़कर की बात की जाए तो मुसलमानों ने पूरी तरह से वोट मृणाल को ही दिए हैं। मराठी वोटरों ने इस बार भाजपा को वोट किया है, क्योंकि समिति 10,000 भी वोट नहीं ले पाई। बेलगाम नॉर्थ जहां अक्सरियत मुस्लिम वोटर्स है, यहां तकरीबन 81,537 वोट कांग्रेस के खाते में गए। भाजपा के जगदीश शेट्टर को गोकाक, बेलगाम ग्रामीण और अरबामी से लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। खैर, कर्नाटक में एक तरह से जो उम्मीद की जा रही थी उस तरह के नतीजे हासिल नहीं हुए। लिहाजा अब जब वीडियो बन रहा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए के दरमियान 35 से 40 सीटों का फर्क है। इत्तला के मुताबिक नीतीश कुमार से कांग्रेस गठबंधन ने बात की हुई है, बात चल रही है, इस तरह की बात कही जा रही है। तो तेलंगाना के लिए डीके शिव कुमार निकल चुके हैं, ऐसे बताया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू सबसे अहम किरदार इंडिया गठबंधन में निभाएंगे, क्योंकि मुस्लिम रिजर्वेशन के हक में चंद्रबाबू नायडू है तो मोदी हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है, और उन्होंने अपने प्रचार सभाओं में मुसलमानों के खिलाफ खुलकर इस तरह की बात कही है। एक और बात काबिले तवज्जो है, एनडीए में सिर्फ दो ही लोगों की चलती है, मोदी और शाह की। जाहिर है इनकी तानाशाही में कोई रहना नहीं चाहता, इससे पहले मजबूरी थी, जाहिर है वहां पर लोग थे, लेकिन जहां पर वो थे अब वहीं से निकलकर कांग्रेस गठबंधन के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं। फिलहाल एनडीए गठबंधन में है, वहां से भी कुछ लोग इंडिया के साथ मिलने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, जो अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इशारा दिया है। डर खौफ के मारे भाजपा गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। उन्हें एक हिसाब से आजादी मिलने के बराबर है, ईडी सीबीआई एनआईए की छापेमारी का डर भी नहीं रहेगा, मतलब मोदी हुकूमत का खात्मा तय माना जा रहा है। हिंदी बेल्ट में भी भाजपा को नुकसान हुआ, तकरीबन फिलहाल 70 से ज्यादा सीटों का नुकसान भाजपा एनडीए को हो रहा है। 400 पार की बढ़ाई मारने वाले अब एक एक सीट को किस तरह तरस रहे हैं ये आपके सामने है, और इसके इम्कान हमने पहले भी जाहिर किए थे। आखिर में एक बार फिर मुल्क के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने मुल्क को बदनाम होने से बचाया, क्योंकि दुनिया भर में किस तरह से भारत की बदनामी हो रही थी सभी ने देखा। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 100 किलोमीटर के फासले पर जुबान तहजीब लहजा बदल जाता है, सैकड़ों जुबानें बोली जाती हैं। देख सकते हैं आप, बेलगाम की इस तरफ हुबली की तरफ जाते हैं तो बात करने का खाने पीने का तरीका अलग होता है। वहीं दूसरी ओर कोल्हापुर की तरफ 100 किलोमीटर बेलगाम से अगर वहां जाते हैं तो खाने पीने का तहजीब बोलचाल का लहजा अलग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि खाने पीने का तरीका भी आपको अलग मिलेगा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भारत की पहचान है, इस इत्तेहाद ने तो सैकड़ों साल हुकूमत करने वाली ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बेदखल किया था। धर्म नफरत का बीज अंग्रेजों ने जो बोया था उसी को अंग्रेजों की नस्ल ने पानी डालकर पौधा बनाया था। आज कुछ लोग फिर से धर्म के नाम पर दो भाइयों का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब इस जमीन की जड़ों में जज्ब हो चुकी है। राम मंदिर के नाम पर सत्ता का सुख तो पाया, साथ में इसी जज्बाती मौजू के जरिए हिंदू मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की गई, देश को बेचने की भी कोशिश की गई। कभी मस्जिद पर भगवा परचम तो कभी मॉब लिंचिंग, तो कभी धर्म के नाम पर बाजारों में मेहनत करने वाले मुस्लिम मजदूरों को बाहर करने की कोशिश इन्हीं फिरका परस्तों की जानिब से की गई थी। 2024 में चुनाव जीतेंगे तो भारत के संविधान को ही बदल देंगे का ऐलान इन्हीं संविधान विरोधी लोगों ने इस उम्मीद पर किया था कि राम मंदिर या धर्म के नाम पर इन्हें फिर से अवाम 400 पार की हुकूमत देगी और इसी तरह से हम बेवकूफ बनाते रहेंगे। जो लोग इनकी बातों में आकर पिछले 10 सालों से महंगाई बेरोजगारी की तपिश को महसूस कर रहे थे, अब उन्हें मालूम हुआ कि हम ठगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों ने इस बार तारीखी वोटिंग के जरिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की जितनी हो सके मुमकिन कोशिश की गई। दलितों ने भी समझ लिया कि जिस संविधान ने हमें आज इज्जत की जिंदगी दी है उस संविधान को मनुवादी बदलने वाले हैं। कुल मिलाकर मोदी की तानाशाही का खात्मा होते दिखाई दे रहा है, कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक आंकड़े आगे बढ़ नहीं पाए हैं, क्या भाजपा अपनी हार को देखकर खौफजदा है, ये भी समझने की जरूरत है। इससे पहले भी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में ही काम करता रहा है। अभी रात के 10 बजने को आए हैं लेकिन आंकड़े 280 एनडीए और इंडिया गठबंधन 240 पर रुके हुए हैं, और पिछले 5 घंटों से रुके हुए हैं। आज की रात बहुत अहम है, जो भी हो लेकिन मोदी नामी तानाशाह की हुकूमत का खात्मा होते देखने का शर्फ
हमें नसीब हुआ है इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।